कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए शत प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो हजार 2047 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल के इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को, देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया, तब सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। तो ये थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त बैठक में अभिभाषण देते हुए।